हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज क्रश। आई एम डॉक्टर विशाखा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक बायोडायवर्सिटी। यदि बायोडायवर्सिटी के बारे में हम बात करते हैं तो वी ऑल नो दैट द टोटल नंबर एंड द वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया और द रीजन इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। दिस इज वेरी कॉमन डेफिनेशन एंड आई गेस एवरी वन नो दिस डेफिनेशन कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स एंड द वैरायटी ऑफ स्पीसीज, ये जो दोनों भी चीज़ें जहाँ एक पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर एरिया में हम देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी। लाइक डायवर्सिटी विद इन द स्पीसीज, बिटवीन द स्पीसीज और द दैट इज द इकोसिस्टम। एक नॉर्मल डेफिनेशन हो गई जिसे हमने बायोडायवर्सिटी कहा। अभी हम दूसरी डेफिनेशन देखेंगे, वो है व्हाट इज बायोडायवर्सिटी बट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। सी, यदि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं बायोडायवर्सिटी को, तो दे सेड द वेरिएबिलिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेस इंक्लूड टेरेस्ट्रियल, मरीन, अदर अक्वाटिक इकोसिस्टम एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर पार्ट। And this include diversity within the species, between the species and the ecosystem. See, ये भी definition वही बात बता रही है, but ये definition मैंने यहाँ पे specially इसलिए ली क्योंकि ये convention on biological diversity के द्वारा आई हुई है। So in short, यदि हम biodiversity के definition की बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आया कि biodiversity means total number and the variety of species in a particular area or the region is called biodiversity. यहाँ पे यदि हम बात करें बायोडायवर्सिटी का, तो बायोडायवर्सिटी को यदि आप सबको पता होगा, विटेकर इन्होंने बायोडायवर्सिटी को दो मेजर कंपोनेंट में डिवाइड किया था। जैसे कि इनका पहला मेजर कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो वो इन्होंने कहा था वो है स्पीसीज रिचनेस, ओके। और सेकेंड यदि मैं यहाँ पर बात करूँ अपार्ट फ्रॉम स्पीसीज रिचनेस, तो दूसरा यहाँ पर आ रहा है स्पीसीज इवननेस, ओके। स्पीसीज रिचनेस एंड द स्पीसीज इवननेस। तो स्पेसिस रिचनेस क्या है कि रिचनेस, यहाँ पे हम स्पेसिस रिचनेस में बोल सकते हैं कि स्पेसिस डाइवर्सिटी विद इन द कम्युनिटी। सी, मैं यहाँ पे इसकी बात कर रही हूँ, किसकी, स्पेसिस रिचनेस की। तो व्हाट इज द स्पेसिस रिचनेस की, देखो वर्ड्स में यदि हम समझने की कोशिश करें तो रिचनेस की तो बात आ रही है, पर किस रिचनेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्पेसिस के रिचनेस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सो तो इन शॉर्ट यदि मैं समझ जाने की बात करूँ तो स्पेसिस रिचनेस इज अ स्पेसिस डाइवर्सिटी विद इन अ कम्युनिटी एंड इट हैज़ थ्री टाइप्स। जो मैं यहाँ पे स्पेसिस रिचनेस की बात कर रही हूँ, तीन टाइप्स से हम डिफाइन कर सकते हैं, अल्फा, बीटा, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड द गामा डाइवर्सिटी। सी, हम अभी भी कौन से डाइवर्सिटी पे, स्पेसिस रिचनेस डाइवर्सिटी पे है, और उसी में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि इसी को हमने डिवाइड किया है तीन डाइवर्सिटी में, जिसमें से पहला मैंने बात किया अल्फा, दूसरा बीटा एंड थर्ड द गामा डाइवर्सिटी। तो इन शॉर्ट यदि मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ कि व्हाट इज अल्फा डाइवर्सिटी, सो इन अ वेरी शॉर्ट नोट, इट इज कैलकुलेटेड बाय अकाउंटिंग द नंबर ऑफ टैक्सा, टैक्सा मीन्स द स्पीसीज प्रेजेंट इन अ गिवन रीजन और द कम्युनिटी और द इकोसिस्टम। सो इन शॉर्ट यदि स्पीसीज रिचनेस में जो पहली डाइवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ वो है अल्फा डाइवर्सिटी, तो अल्फा डाइवर्सिटी में हम क्या कर रहे हैं कि हम काउंट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ स्पीसीज और नंबर ऑफ टैक्सा एट अ गिवन रीजन और एट अ गिवन कम्युनिटी और एट गिवन इकोसिस्टम, तो उसी डाइवर्सिटी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अल्फा डाइवर्सिटी। कंसिडर लाइक माउंटेन स्लोप, तो देर विल बी अ वेराइटी ऑफ वुडलैंड एंड ग्रासलैंड, ओके, दैट पर्टिकुलर हिल साइड के ऊपर। तो जब हम इन चीजों को काउंट करते हैं इसी को हम क्या कह रहे हैं, अल्फा डाइवर्सिटी। स्पीसीज रिचनेस में ही दूसरी डाइवर्सिटी की हम बात करेंगे, वो है आपकी बीटा डाइवर्सिटी। तो यदि बीटा डाइवर्सिटी की बात करूँ तो क्या है, इट इज द नंबर ऑफ स्पीसीज यूनिक टू ईच एनवायरमेंट दैट इज यूज टू कैलकुलेट स्पीसीज डाइवर्सिटी बिटवीन द टू नियर बाई इकोसिस्टम। सी, अल्फा में क्या कहा था मैंने कि हम सीधा क्या कर रहे हैं, वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ स्पीसीज, बट बीटा डाइवर्सिटी में हम क्या कर रहे हैं कि येस नो डाउट स्पीसीज यूनिकनेस है बट ईच एनवायरमेंट, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है, तो मतलब क्या है कहने का कि ये जो स्पीसीज यूनिकनेस जो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ या स्पीसीज डाइवर्सिटी को मैं कैलकुलेट कर रही हूँ पर नियर बाय दो इकोसिस्टम के व्हाट आई सेड स्पीसीज की डाइवर्सिटी को कैलकुलेट कर रही हूँ, और ऐसे स्पीसीज डाइवर्सिटी को हम किस में रखते हैं, बीटा डाइवर्सिटी में। और थर्ड डाइवर्सिटी की यदि मैं इसमें बात करूँ तो वो आ रहा है आपका गामा डाइवर्सिटी। तो ये क्या है, यदि गामा डाइवर्सिटी की बात करूँ तो हैबिटेट
वैरायटी ओवर द होल लैंडस्केप और द एंटायर ज्योग्राफिकल एरिया में जो हमें डाइवर्सिटी दिखती है उसे हम किस में रखते हैं, गामा डाइवर्सिटी में। जैसे यदि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ तो स्लोप की मैं बात करती हूँ, द स्पीसीज वैरायटी अलॉन्ग द फुल रेंज ऑफ द माउंटेन स्लोप इज रेफर टू अ गामा डाइवर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंडस्केप। तो ये चीज़ें किस में आ रही है, ये चीज़ मैंने किस में कही आपको, स्पीसीज रिचनेस में। अब बात करते हैं स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज इवननेस अगेन द होल मीनिंग इन द वर्ड कि स्पीसीज तो है पर इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, इवननेस की। तो मीन्स क्या है, इट मेजर द स्पीसीज प्रपोर्शन इन अ गिवन साइट। एक गिवन साइट में जो हम स्पीसीज को प्रोपोर्शनली मेजर कर रहे हैं उसे हमने क्या कहा है, स्पीसीज इवननेस। ओके, सो हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ में जो टॉपिक हमने बात देख रहे हैं वो है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली हमने बायोडाइवर्सिटी को तीन टाइप्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो वो क्या आ रही है आपकी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकेंड की बात करें तो स्पीसीज डाइवर्सिटी। एंड थर्ड यदि बात करूँ तो आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स क्या है कि दिस इज द अगेन टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच वी नो दैट, बट इसमें एवरी इंडिविजुअल ऑफ स्पेसिस स्पेसिफिक स्पेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म ऑफ जेनेटिक मेकअप। क्या कहा मैंने यहाँ पे, आई यूज वर्ड जेनेटिक, और जेनेटिक में क्या, डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक हम किसकी, जीन्स की यहाँ पे बात करें, पर्टिकुलर स्पेसिस की। तो इस जेनेटिक डाइवर्सिटी में मैं ये समझा रही हूँ कि जो जीन है या जो स्पेसिफिक स्पीसीज है वो डिफरेंट है फ्रॉम द ईच अदर इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक मेकअप, और इसी डाइवर्सिटी को हम क्या करते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी में रखते हैं। सी जो डेफिनेशन यहाँ पे मैंने बताई है वो भी यदि हम देखें तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, सिंगल स्पीसीज हैज ए लार्ज वेराइटी ऑफ जीन इन इट्स जीन पुल एंड सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल जीन ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड जीन पुल ऑफ द स्पीसीज एंड द वाइब्रेंटली सॉरी वेरेबिलिटी ऑफ द जीन विद इन द जीन पुल ऑफ द स्पीसीज इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। इन अदर वर्ड यदि मैं यहाँ पे सेम चीज समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि एवरी इंडिविजुअल ऑफ अ स्पेसिफिक स्पेसिस इज अ डिफरेंट फॉर्म ईच अदर इन टर्म ऑफ जेनेटिक मेकअप एंड दिस वेरिएबिलिटी ऑफ द जीन विद इन द मेंबर ऑफ द सेम स्पेसिस ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर टर्म एज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वो है हमारा स्पेसिस डाइवर्सिटी। कर रहे हैं स्पेसिस डाइवर्सिटी। अब स्पेसिस में क्या है, यदि स्क्रीन पे लिखी हुई डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो इट इज़ द वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन डिफरेंट हैबिटेट ऑन द अर्थ, लाइक द लार्ज वैरायटी ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये आ रहा है आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी, मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज मीन डाइवर्सिटी हमें दिखती है उसे हमने स्पीसीज डाइवर्सिटी में रखा है। तो ये बायोडाइवर्सिटी की क्या मैं बता रही हूँ कि द डिफरेंट स्पीसीज लिव इन अ स्पेसिफिक एरिया और द स्पेसिफिक हैबिट और द स्पेसिफिक रीजन। जो भी डिफरेंट स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं पर स्पीसीज क्या है, डिफरेंट है, और इसी को हम क्या करते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी में रखते हैं। ये मोस्टली कहाँ पे अकॉर्ड होती है, एग्रीकल्चर एज वेल एज नेचुरल सिस्टम में भी हम स्पीसीज डाइवर्सिटी देखते हैं। जैसे स्क्रीन पे जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है किसका, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में मैंने कहा कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वैरायटी ऑफ स्पीसीज देखते हैं लाइक प्लांट्स एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑल। थर्ड बात कर रही हूँ मैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी डिफरेंट इकोसिस्टम विद डिफरेंट स्पीसीज, क्या कह रही हूँ मैं यहाँ पे, डाइवर्सिटी तो है पर किसकी, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मीन्स क्या है यहाँ पे कि जो इकोसिस्टम है कौन से डिफरेंट इकोसिस्टम, टू और मोर इकोसिस्टम, टू और थ्री इकोसिस्टम जब हम ले रहे हैं तो दे आर द डिफरेंट इकोसिस्टम। तो ये डाइवर्सिटी किसके बीच में होती है, अमंग द डिफरेंट इकोसिस्टम। ओके, विद द डिफरेंट स्पीसीज सिस्टम इज कॉल्ड द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जैसे कि देखो स्क्रीन पे जो मैंने लिखा है तो क्या कहा, इट इज द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इन द बायोस्फीयर लाइक वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम लाइक वेटलैंड कोरल एस्चुरीज डेजर्ट मैंग्रोव टेम्परेचर फॉरेस्ट एंड सो ऑन। सो द यदि हम वेटलैंड की हम बात कर रहे हैं या एस्चुरीज की बात करते हैं या नो डाउट हम वेटलैंड और द डेजर्ट की बात कर सकते हैं या एस्चुरीज और मैंग्रोव की, मीन्स इस तरीके के यदि हम इकोसिस्टम को एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो स्पीसीज आपको मिलेगी वो स्पीसीज शायद यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेगी और यहाँ पे भी वो सेम स्पीसीज आपको नहीं मिलेगी, वो भी डिफरेंट मिलेगी। विच मीन द डाइवर्सिटी अमंग डिफरेंट इकोसिस्टम विद डिफरेंट स्पीसीज इज टर्म इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे डिफरेंट इन स्पीसीज इन अ डाइवर्स इकोसिस्टम एज पर द हैबिटेट। ओके, तो ये वाला क्या है आपका, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी।
यहाँ पे देखिए, ये वाला स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे बताया कि 3 लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें पहला जो मैंने डाइवर्सिटी का आपने कहा वो है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक मीन्स क्या है, जेनेटिकली हम देखेंगे तो द डिफरेंस इन द DNA कंटेंट अमंग द इंडिविजुअल विद द स्पेसीज एंड द पॉपुलेशन। स्पेसीज डाइवर्सिटी की बात करें तो जो नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ द स्पेसीज इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन पर्टिकुलर एरिया में देखिए यहाँ पे दे आर द डिफरेंट, लाइक क्राउ, दिस इज द ट्री एंड दिस इज द फ्रॉग एंड ऑल, ये क्या है, नंबर ऑफ स्पेसीज आर देयर, वेराइटी ऑफ स्पेसीज है एंड ये नंबर एंड वेराइटी ऑफ स्पेसीज क्या है, पर्टिकुलर रीजन में क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, और इसी को हमने क्या कहा, स्पेसीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो ये वाला एक इकोसिस्टम है इस रिवर से यहाँ पे पाइप कट करके सपोज टू बी है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, नंबर एंड द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम और द हैबिटेट विद इन द गिवन रीजन, दैट इज लाइक सम रेन फॉरेस्ट एंड द कॉर्नफील्ड एंड ऑल। तो ये कौन से डाइवर्सिटी में आ रहा है, हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में। ओके, अब जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो अभी का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया वो है हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की यदि बात करें तो दिस हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एनी बायोजियोग्राफिकल एरिया विद मेनी स्पीसीज। कोई भी एक बायोजियोग्राफिकल एरिया की हम बात करते हैं, जैसे ये यहाँ पे हिमालयन ले रहे हैं, ये कॉकेसस ले रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे ये हॉटस्पॉट है जो मैंने अभी वर्ड यूज़ किया, और ये एनी बायोजियोग्राफिकल एरिया और पर यहाँ पे क्या है, मेनी स्पीसीज है, बट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज थ्रेटन्ड बाय डिस्ट्रक्शन। पर यहाँ पे कुछ जो अमाउंट ऑफ मीन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी हो गया थ्रेटन हो रही है, वाई, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन एंड ऑल। सो दिस हॉटस्पॉट्स आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग। अभी जो ये 36 हॉटस्पॉट की यहाँ पे मैंने बात कर रही हूँ, हमें ये हॉटस्पॉट क्यों बनाए, क्योंकि ये हॉटस्पॉट्स क्या है, इसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग द इकोसिस्टम बैलेंस। ओके, तो बेसिकली हमारे पास टोटल कितने हॉटस्पॉट है, 36 हॉटस्पॉट यहाँ पे हमें मिलेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे मैं ये मेडिटेरियन बेसिन हॉटस्पॉट एक हुआ, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कॉकेसस हुआ, देन ईरान एंटोलिना रीजन यहाँ पे दिख रहा है आपको। ओके, दिस माउंटेन ऑफ सेंट्रल एशिया, हिमालया, तो ये सारे जो इन शॉर्ट हम देख रहे हैं कैरिबियन आइलैंड, ये सिराडो, ब्राजीलियन सिराडो एंड ऑल। तो ये जो हॉटस्पॉट है टोटल कितने नंबर में, 36 नंबर ऑफ हॉटस्पॉट है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे 36 जो हॉटस्पॉट या वर्ल्ड के जो ये 36 पॉइंट है इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर हम मेन जो हॉटस्पॉट की बात करेंगे वो है हमारे कंट्री के हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अवर कंट्री मीन्स द इंडिया। सी बेसिकली यहाँ पे मैंने टोटल कितने हॉटस्पॉट कहे आपको, 36 हॉटस्पॉट कहे, तो इन विच द इंडिया आउट ऑफ दिस 36 बायोलॉजिकली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया हैज़ द 6 हॉटस्पॉट। ओके, तो इस 36 में इंडिया में कितने हॉटस्पॉट हमें मिल रहे हैं, 6 हॉटस्पॉट। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, हमारे कंट्री में यदि 6 हॉटस्पॉट है तो बेस्ड ऑन दैट हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ओके, इंडिया क्या है, रिच है बायोडाइवर्सिटी में। इन इंडिया रिच इन बायोडाइवर्सिटी 6 हॉटस्पॉट्स आर हियर इन इंडिया विद द वाइब्रेंट डाइवर्सिटी ऑफ फोना एंड द फ्लोरा, मे बी दैट इज इंक्लूडिंग इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑल्सो, इंक्लूडिंग इंडेंजर्ड स्पेसीज। तो इस वजह से हम क्या देख रहे हैं या हम क्या कह रहे हैं कि इंडिया इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तो ये हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, इसको बेसिकली मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट में डिवाइड किया है, ठीक है, 4 इसमें। तो यदि हम पहले हॉटस्पॉट की बात करते हैं वो है हमारा हिमालया। हिमालया को मैं 2 पार्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। ये जो हिमालया है, हिमालया को 2 पार्ट में, जो पहला हिमालया जो बात करूँगी वो है ईस्टर्न हिमालया, और जो सेकेंड हिमालय को मैं तोड़ के बताऊँगी वो है आपका तराई द्वार सवाना मीन्स वेस्टर्न साइड का पार्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो ईस्टर्न हिमालय क्या है, वन ऑफ द मेजर हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं आपका नेपाल, भूटान, सिक्किम, इंडिया की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो ऊपर वाले पार्ट में आ रहा है, और म्यांमार जो यहाँ पे, या हम उसी को बर्मा भी नाम से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें मिलता है, इंक्लूडिंग ट्रीज मोस्टली, तो ओक एंड अल्पाइन ट्रीज भी यहाँ पे मोस्टली हम देखते हैं। और यदि फोना के हिसाब से देखें तो चैरिस्मेटिक वेस्टर्न ट्रैगोपैन या लेपर्ड दिखेगा हमें, स्लो लॉरिस एंड ऑल, ये हमें इस साइड में दिखेंगे हिमालय जो कह रही हूँ। और यदि इसकी दूसरा साइड से बात करूँ तो वो है तराई द्वार सवाना, एक नैरो स्ट्रेच है
नैरो स्ट्रेच कहाँ पे हमें मोस्टली मिलता है, बेस ऑफ द हिमालय। दैट्स वाई मैंने क्या कहा कि हिमालय को मैं दो पार्ट में बताऊंगी। एक तो हिमालय की यहाँ पे मैंने बात की, एक हॉटस्पॉट की यदि डाइवर्सिटी में रखा तो मैंने इंटर हिमालय रखा। तो पहला मैंने ईस्टर्न हिमालय की बात की। तो अभी जो मैं बात कर रही हूँ है तराई द्वार सवाना, तो ये एक नैरो स्ट्रेच है, पर ये कहाँ पे मिलता है हमें, बेस ऑफ द हिमालय के पास मोस्टली दिखाई देता है। और इसमें ये कंटिन्यू हो रहा है, हिमालय से ही कंटिन्यू हो रहा है टू द इंडो गंगेटिक प्लेन ऑफ भूटान नेपाल एंड इंडिया। इंडिया का भी प्लेन में हमें ये दिखता है। तो इसमें ये जो लैंड है वर्ल्ड का रेयरेस्ट एंड द टॉलेस्ट ग्रासलैंड जो है जो यहाँ पे हमें मिलता है। पर ये जो मीन्स रेयरेस्ट एंड जो टॉलेस्ट ग्रासलैंड है वो रिच इन सिल्ट यहाँ पे है। और ये जो सिल्क की यदि हम बात कर रहे हैं क्यों हुआ है, बिकॉज यहाँ पे हिमालय से क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स हमारी ओरिजिन हो रही है और इस वजह से मॉनसून में ये डिपॉजिट कर रही है हेवी फ्लड के थ्रू। जो डिपोजिशन है ये मोस्टली इस एरिया में, इस रीजन में होता है, इसलिए भी इस रीजन को मैंने क्या वर्ड यूज़ किया है, सिल्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंडो बर्मा रीजन की। इंडो बर्मा रीजन, तो इंडो बर्मा रीजन की यदि बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया है ये इंडो बर्मा रीजन जो है। इंडो बर्मा सेकेंड पे हूँ मैं, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया है और ये लार्ज एरिया में भी मोस्टली स्प्रेड होता देखा है। यहाँ पे भी मैंने कहा है कि ये इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में है, बट असम को एक्सेप्ट छोड़ दे, असम को यहाँ से निकाल दे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर हम बात करते हैं तो मोस्टली कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार एंड अंडमान, सी माई वर्ड, मार्क माई वर्ड, यहाँ पे इंडो बर्मा के अंदर मैंने कौन से आइलैंड को रखा है, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है ये भी इसी का स्पॉट में आता है, इंडो बर्मा के अंदर आ रहा है। क्योंकि जब हम सुंडालैंड की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ हम निकोबार ग्रुप को रख रहे हैं, निकोबार ग्रुप को। तो अगेन आई रिपीट, इंडो बर्मा तो ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखता है एक्सेप्ट असम, और ये इंडो बर्मा रीजन में है और ये लार्जेस्ट हॉटस्पॉट है। अगेन स्प्रेड है लार्ज एरिया में, मोस्टली इसमें कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आता है, प्लेन ऑफ गंगा, पार्ट ऑफ अंडमान आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है सुंडालैंड। ओके, नेक्स्ट जो आइलैंड में यहाँ पे बात कर रही हूँ वो है हमारा सुंडालैंड। सुंडालैंड हॉटस्पॉट जो है ये इंडिया में ही मोस्टली होता है एंड लाइज इन द निकोबार आइलैंड। सो सुंडालैंड में कौन सा आइलैंड आ रहा है आपका, निकोबार ग्रुप या निकोबार आइलैंड जो है वो सुंडालैंड में आता है। आई अगेन रिपीट, तो वही मैंने यहाँ कहा कि ये जो हॉटस्पॉट है ये सुंडालैंड हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया वो लाइक कहाँ पे हो रहा है, निकोबार आइलैंड में, एंड एक्सटेंड टू द टेक्टोनिक प्लेट्स अंडर द इंडियन ओशन। और ये लैंड स्पेसीज यहाँ पे लाइक द मंकीज, जवान, सुमात्रान, बात करें तो उनके राइनोस यहाँ पे हमें मिलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं वेस्टर्न घाट की। तो वेस्टर्न घाट यदि मैं बात करूँ तो वेस्टर्न घाट एंड विद द श्रीलंका यहाँ पे मैंने बात किया कि बट वेस्टर्न घाट में क्या है, इंटायर वेस्टर्न घाट आ रहा है एंड द श्रीलंका भी। पर श्रीलंका यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया क्योंकि हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, हमारी कंट्री इंडिया की। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट में बात करूँ तो ये घाट रन कहाँ से हो रहा है, नॉर्थ टू द साउथ बियॉन्ड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। और ये क्या है, यदि वेस्टर्न घाट की बात करूँ तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको रखा गया है। एंड यहाँ पे मिनी माउंटेनी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी हमें दिखते हैं। एक फॉरेस्ट जो है वो में वैरायटी ऑफ फौना एंड फ्लोरा इस फॉरेस्ट में हमें मिलेंगे, लाइक लेपर्ड, ब्लैक पैंथर्स एंड ऑल यहाँ पे हमें क्या है दिखते हैं। तो ये हमने बात की किसकी, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। नेक्स्ट अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी पर, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसिस, पर्टिकुलर जीन और द इकोसिस्टम बिकॉज ऑफ द नेचुरल और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। दिस इज व्हाट अवर डेफिनेशन ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इफ आई अगेन रिपीट, तो हाउ वी डिफाइन दिस, लॉस ऑफ पर्टिकुलर स्पेसिस, जीन और द इकोसिस्टम बिकॉज ऑफ नेचुरल और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के हिसाब से। ओके, और ये जो लॉस है ये हमने कौन से बुक में मोस्टली मेंशन किया है, आइसन रेड डेटा बुक में हम इसके बारे में बात करते हैं किसकी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन दी है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, तो वो क्या कही मैंने, इज द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज इन अ सर्टन हैबिटेट। ओके, तो ये जो लॉस है ऑल्सो लीड टू, समटाइम्स इट लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट और द एनिमल स्पीसीज, एंड दिस लॉस कैन इधर बी रिवर्सिबल और द परमानेंट। ओके, तो यहाँ पे यदि हम बात कर, जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था आईयूसीएन रेड डेटा बुक का, तो इसने रिकॉर्ड किया कि 784 एक्सटिंक्ट स्पीसीज हमने आज तक इसके अंदर रखी गई है।
इन्होंने और रिपोर्ट किया कि लॉस ऑफ 30 बायोडाइवर्सिटीज इन द लास्ट 20 ईयर्स में 30 बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस तो हो रहा है और ये हमें बता रहे हैं आईयूसीएन रेड डेटा बुक, पर इसके कॉजेस क्या है? इस लॉस की यदि हम बात कर रहे हैं दैट्स ओके, बट इस लॉस का कॉजेस ऑफ कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? द फर्स्ट लॉस की यदि हम बात करते हैं तो वो है हमारा हैबिटेट लॉस एंड द फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, दिस इज द प्राइमरी कॉज एंड दिस कॉज ड्राइव बाय एनिमल एंड द प्लांट, बिकॉज एनिमल एंड प्लांट क्या है, एक्सटेंशन की तरफ चल रहे हैं और इसी वजह से ये फर्स्ट हमारा बायोडाइवर्सिटी का कॉज आया। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हैव बीन थ्रू द चेंजेस इन द लैंड यूज, पर्टिकुलर यदि बात करते हैं कन्वेंशन ऑन द नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ टू द क्रॉप लैंड, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे लाइक रेल रोडवेज, अपार्ट फ्रॉम दैट इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड माइनिंग। तो इस वजह से क्या हो रहा है, मोस्टली हैबिटेट लॉस हम देख रहे हैं या फ्रेगमेंटेशन देख रहे हैं। यदि हम लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में भी बात करते हैं तो उन्होंने क्लियरली कैटेगोरी के लिए कहा है कि अबाउट 30% डिक्लाइन हुआ है किसमें, वेटलैंड में लास्ट 40 ईयर में। और वेटलैंड क्या है, हम सबको पता है कि दिस हैज बीन प्राइमरी रिक्लेम फॉर द एग्रीकल्चर एंड द अर्बनाइजेशन। 50% ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का लॉस्ट हमने देखा है। 45% यदि हम बात करते तो टेम्परेट ग्रासलैंड भी, और टेम्परेट ग्रासलैंड की यदि क्यों यहाँ पे लॉस कर रही हूँ, क्योंकि वो हमने उसको कन्वर्ट किया है हमारी यूज के लिए, ह्यूमन यूज के लिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बात कर सकते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्पीसीज। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट की बात कर रही हूँ, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बट किसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, स्पीसीज का। अनसस्टेनेबल यूज ऑफ इकोसिस्टम एंड द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दीज आर द मेजर रीजन्स बिहाइंड द बायोडाइवर्सिटी लॉस। ओके, सो जो मैंने यहाँ पे कहा कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्पीसीज, वाई, बिकॉज ऑफ द ओवर हंटिंग और आई गेस पोचिंग ऑफ स्पीसीज, ओवर फिशिंग, ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ द प्लांट प्रोडक्ट कैन क्विकली डिक्लाइन द बायोडाइवर्सिटी। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये क्या है, कॉज है किसका, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का। अपार्ट फ्रॉम दैट, चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द ह्यूमन इज ऑफन साइटेड एज द की रीजन फॉर दिस सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एंड बहुत सी मीन्स मिनी स्पीसीज क्या हो रहे हैं, स्पीसीज विच गॉट एक्सटेंड जो भी लास्ट 5 ईयर में हुई है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह सकती हूँ स्टेलर काउ, स्टेलर सी काउ। ठीक है, एंड वाई ऑल दोज थिंग इज हैपन, बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एंड हु इज डूइंग दैट ओवर एक्सप्लॉयटेशन, दैट डन बाई द ह्यूमन्स। ओके, थर्ड यदि हम बात करते हैं कॉज ऑफ लॉस बायोडाइवर्सिटी में, वो आता है हमारा एलियन स्पीसीज इन्वेजन या इंट्रोडक्शन ऑफ द एलियन स्पीसीज। तो मोस्टली ये किस तरीके से, एलियन स्पीसीज मीन्स क्या है, मोस्टली क्या हम कर रहे हैं कि प्लांट एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, या इंटेंशनली भी हम क्या कर रहे हैं, उसे दूसरे कंट्रीज से हमारे कंट्री में ला रहे हैं, या कभी कभी अनइंटेंशनली भी ये क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड ज्योग्राफिकल रीजन, एंड व्हेन दे एंटर्ड इन अवर कंट्री देन व्हाट दे स्टार्ट टू कॉज द ग्रेट डैमेज टू अवर नेटिव स्पीसीज। राइट, एंड हाउ, बाय कम्पीटिंग विद देम फॉर द फूड शेल्टर एंड स्प्रेडिंग डिसीजेस जो हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे स्पीसीज के लिए अननोन होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट जेनेटिक चेंजेस भी इन सारे प्रोसेस चेंजेस हमें यहाँ पे दिखते हैं। मोस्टली हमने जेनेटिक चेंजेस इंटरब्रीडिंग की वजह से यहाँ पे हमने देखे हैं। तो ये क्या है, हमारा एलियन स्पीसीज इन्वेजन है। जैसे इंडिया में यदि हम बात कर रहे हैं तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस वाटर हाइसिंथ, कहाँ पे मोस्टली वाटर हाइसिंथ, आज के डेट में हम इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। वाई, बिकॉज वो जो वाटर हाइसिंथ जो प्लांट है ना, उसके ब्यूटिफिकेशन की वजह से उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, एंड दे इंट्रोड्यूस इन अवर कंट्री। बट आज के डेट में इस प्लांट को आप देखो तो इसे टेरर ऑफ बंगाल कहा गया है। बट ओवर द टाइम क्या हुआ, इट बिकम इन्वेसिव स्पीसीज, क्लॉगिंग रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज, एंड दस व्हाट हैपन, नॉट अलाउइंग द एनी एक्वेटिक लाइफ टू ग्रो एंड सर्वाइव। तो ये क्या हो रहा है, ड्रॉबैक हो रहा है या कॉज हो रहा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड द नेक्स्ट यहाँ पे जो मैंने फोर्थ मेंशन किया है वो है हमारा को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन की बात करें तो क्या है कि व्हेन पर्टिकुलर स्पीसीज बिकम एक्सटेंड द प्लांट एंड एनिमल एसोसिएटेड विद इट इन एन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो कम द डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट। यहाँ पे मैं जो होस्ट फीस स्पीसीज है बिकम एक्सटेंट, जो कि एक यूनिक असेंबलेज थी किसकी, पैरासाइट की, एंड विच ऑल्सो मीट द सेम फेट। मीन्स यहाँ पे दो
जो एनिमल्स हैं, जो को एक्सटेंटली या जो दो प्लांट है या एनिमल एंड प्लांट है जो एक दूसरे के सपोर्ट से जी रहे थे, उनमें से कोई एक भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट की तरफ जाता है तो वो फिट अल्टीमेटली सेकेंड पे आता है। और यही हम किसके बारे क्या कह रहे हैं, ये भी एक कॉज है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, जिसे हम को एक्सटेंशन बोले हैं। एक यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है पर फिर भी आपको ओरली बता सकती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम दैट कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रख सकते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रख सकते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें तो फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन जो भी क्या हो रहा है, ये जो पोल्यूशन है ये लार्जली या लार्जली बाहर निकल रहे हैं, पोल्यूटेड कर रहे हैं, बिकॉज हम ये मोस्टली फर्टिलाइजर में यूज़ करते हैं। जहाँ फर्टिलाइजर हम फार्मलैंड में ला रहे हैं वहाँ से रनिंग वाटर के थ्रू आ रहे हैं, हार्मफुल केमिकल अर्बन एंड सब अर्बन से निकल रहा है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस से निकल रहा है, तो इसके थ्रू भी क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। यदि हम बात करें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की तो ये भी क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिवली मोर सिग्निफिकेंट थ्रेट हो रहा है बायोडाइवर्सिटी को, और कमिंग डिकेड में तो ये होगा ही। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम इसके ना कुछ चेंजेस भी देख रहे हैं, मोस्टली इन द फ्लावरिंग प्लांट, माइग्रेशन पैटर्न, बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह माइग्रेशन पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस स्पीसीज हैव बीन ऑल्सो ऑब्जर्व थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये सारे क्या है, लॉस ऑफ सॉरी कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यदि हमने यहाँ पे बात की कि लॉस क्या होता है, तो अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। पहले हमने देखा कि लॉस कैसे हो रहा है, अब मैं बात करूंगी कि जो लॉस हो रहा है इस लॉस को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। ओके, सो द टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सीइंग द थ्रेट ऑफ टू द बायोडाइवर्सिटी जो अभी हमने बात की। तो अब इसके लिए हमें क्या है, देयर इज नीड टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स वॉट, टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड मैनेजिंग द इकोसिस्टम एंड द नेचुरल हैबिटेट। तो इसी चीज़ को हम टू टाइप से करते हैं, क्या करते हैं, प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड मैनेज। तो पहला जो है हमारा वो है इन सेतु कंजर्वेशन, और जो सेकेंड की हम बात करेंगे वो होगा हमारा एक सेतु कंजर्वेशन। अब इन सेतु कंजर्वेशन की मैं बात करूँ तो मीन्स क्या है ये, इसमें जो भी हम इन द जो एनिमल्स जो प्लांट्स हैं इनको किसी नेचुरल एनवायरमेंट में रखते हैं, या कह सकती हूँ मैं कि दिस इज द कंजर्वेशन बाय दिस इज द टाइप ऑफ कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इज कॉल्ड द इन सेतु कंजर्वेशन। और यहाँ पे जो स्क्रीन पे मैंने दिया है क्या है, इन सेतु कंजर्वेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे वर्ड यूज किया कि जो बायोडाइवर्सिटी को हम क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, पर कहाँ पे, उनके नेटिव हैबिटेट में, और इसी को हम कहते हैं इन सेतु कंजर्वेशन। तो इसमें हम किस चीज की बात कर सकते हैं, सेंचुरीज, नेशनल पार्क, रिजर्व फॉरेस्ट, बायोस्फीयर रिजर्व एटसेट्रा। तो मतलब क्या है कि ये जो वर्ड्स मैंने यूज किए लाइक नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, बायोस्फीयर रिजर्व एंड ऑल, ये क्या है, नेटिव हैबिटेट है, और इसी जगह पे इनको हम कंजर्व कर रहे हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इन सेतु कंजर्वेशन। तो ये जो कंजर्वेशन है इसका एम क्या है, मतलब ये हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए, तो पहले क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा, रिस्टोर करेगा एंड मैनेजमेंट मीन सस्टेनेबल मैनेजमेंट करेगा, सो हमने इनको बनाया है। दूसरा यदि बात करें तो डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज देगा, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद इन द पर्टिकुलर एरिया। तीसरा, क्रिएशन ऑफ नेचुरल कॉरिडोर लिंकेज एरियाज ऑफ बायोलॉजिकल इंटरेस्ट टू प्रिवेंट द फर्दर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, की आगे का जो फ्रेगमेंटेशन है वो ना हो, इसलिए भी हम यहाँ पे कॉरिडोर्स बना सकते हैं। इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लेजिस्लेशन टू द प्रोटेक्टेड स्पेसिस को, मतलब इन शॉर्ट प्रोटेक्टेड स्पेसिस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है जिस या मीन्स इंफॉर्मेशन को हमें डिसिमिनेशन करना होगा, एजुकेशन देना होगा, अवेयरनेस जनरेशन करना होगा वो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम प्रमोट कर सकते हैं सस्टेनेबल टूरिज्म इन दिस पर्टिकुलर सेंसिटिव एरिया। तो ये इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको कंजर्व कर रहे हैं इन वाया इन सेतु कंजर्वेशन। सेकेंड यदि मैं बात करूँ तो वो है एक सेतु कंजर्वेशन। एक सेतु कंजर्वेशन मीन्स क्या है, कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द नेचुरल अकॉर्डिंग एरिया। यहाँ पे हमने क्या कहा, इनसाइड द नेचुरली अकॉर्डिंग एरिया और देयर नेटिव एरिया, दैट इज कॉल्ड द इन सेतु। यहाँ पे मैंने ये क्या कहा, इन नेटिव हैबिटेट में कहा, जिसको हमने इन सेतु कंजर्वेशन की बात की, पर यहाँ पे मैं बात क्या कर रही हूँ कि प्रिजर्वेशन यस बट आउटसाइड देयर नेचुरल अकॉर्डिंग एरिया, इट मीन्स ऑफ द साइट और द अवे फ्रॉम द साइट। ओके, ऑफ द साइट और द अवे फ्रॉम द साइट। तो
इसमें भी हम बात कर सकते हैं, तो लाइक डीएनए बैंक्स हम बना सकते हैं, स्पर्म बैंक, कलेक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एंड एटसेट्रा। तो इस तरीके से क्या है, हम यहाँ पे एक सेतु कंजर्वेशन के मेजर से भी इनको कंजर्व कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द इको ecosystem, okay, and also it refer to the number of different species belong to a particular region. और biodiversity की यदि हम बात करें तो इस species has a major role to play in this ecosystem. तो basically इस वजह से भी हम क्या कर देख सकते हैं कि biodiversity का क्या है हमारे पास important है। तो पहला जो important की मैं बात कर रही हूँ वो है ecological role of the biodiversity. So apart from providing ecological balance to the environment, each species of biodiversity has a major function to play in the ecosystem. Means in short क्या है कि हर एक species का एक major function है और वो function उसे क्या करना है, play ही करना है। And they play a major role in the production and decomposition of the atmospheric decomposition of the organic waste, fixing of atmospheric gases, regulation of the water and the nutrient throughout the ecosystem. अपार्ट फ्रॉम दैट वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ला सकते हैं हमारे इकोसिस्टम में, या इंक्रीज विद द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पेसिस। तो ये सारे क्या है हमारे इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी के इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजिकल रोल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इकोनॉमिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देखो ये जो पहले इंपॉर्टेंस में हमने किसका इकोलॉजिकल रोल की बात की, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हैज अ मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग raw material for the industrial product like oils, lubricants, perfume, dyes, paper, waxes and the rubber. तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो ये क्या है, ये play कर रहा है economical role. जैसे important of plant species for various medicinal use has been known for the ages. हम बहुत सालों से ये चीज़ें हमें क्या पता है। और यदि reports की बात करें तो 70% more than 70% of the anti-cancer drugs जो है ना, जो भी derived हुए हैं वो कहाँ से, प्लांट से, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ही हमने मोस्टली डिराइव किए हैं। तो इस हिसाब से देखें तो बायोडाइवर्सिटी इकोनॉमिक रोल भी क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कहा है कि जैसे मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मोस्टली लाइक द ऑयल, लुब्रिकेंट, परफ्यूम्स एंड ऑल। नेक्स्ट एंड लास्ट यदि इसकी बात करूँ बायोडाइवर्सिटी का इसका, तो वो आ रहा है साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। साइंटिफिक यदि इसी वर्ड में हम ध्यान दें तो हम बात किसकी कर रहे हैं, साइंटिफिक की। तो साइंटिफिक में मोस्टली हम स्पीसीज की बात करेंगे जो एक्सटिंक्ट है, जो अलाइव है। तो बेस्ड ऑन दैट स्पीसीज, या हम इस स्पीसीज के बेस पे क्या समझ रहे हैं कि हाउ दे कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। जैसे डायनासोर की बात करें तो वो अभी एक्सटिंक्ट है, वो अलाइव नहीं है, ओके। पर अलाइव यदि टाइगर की बात करें जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में हमने रखे हैं, तो ये स्पीसीज क्या कर रहे हैं कि हमें इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रोल एंड फंक्शन परफॉर्म बाय द स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट, ओके, एंड ऑल्सो इंडिकेटिंग देयर डिफरेंट रिलेशनशिप। हमारा टॉपिक कंप्लीट करते हैं, थैंक यू।